हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद और आज मैं आपको बताऊंगा ये जो गाना आया है जोगी जो कि अर्को ने म्यूज़िक कंपोज़र है उसके, और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है और यासिर देसाई ने ये गाया है। तो इस गाने का जो कंप्लीट पार्ट है, जो कॉर्ड्स है और जो टैब्स है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको इजीली बजा सकते हो। तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो मैं होगा उसमें मैं कवर सॉन्ग होगा, उसके बाद कॉर्ड्स और उसके बाद टैप्स का लेसन होगा। तो ये आप पूरा वीडियो देखिएगा, आप ये सॉन्ग जो है बहुत ही इजी तरीके से बजा सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया। थैंक यू। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैं जोगी होना, तेरे इश्क में जोगी होना मैं जोगी होना। हेलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो सॉन्ग है ये ए मेजर स्केल में सॉन्ग है। तो ए मेजर स्केल जो आप जानते होंगे, ये स्केल इसे कुछ बजता है। और ये जो स्केल है ए मेजर स्केल, इससे रिलेटेड जो कॉर्ड्स हैं जो इस गाने में हम बजाएंगे वो है ए मेजर, डी मेजर, एफ शार्प माइनर और ई मेजर। बस ये चार कॉर्ड्स हैं और आप इस पर पूरा गाना जो है वो प्ले कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको स्ट्रमिंग पैटर्न बताता हूँ जो आप बजा सकते हो, जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी यूज़ किया है और मैं यही नॉर्मली यूज़ करता हूँ काफ़ी सॉन्ग्स में। तो इसका जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन। तो ये सिंपल सा स्ट्रमिंग पैटर्न है। जैसे आप कॉर्ड्स बजाओगे इसका गाने के साथ तो आपको ईजी जाएगा वो। आपके पास कोई और आपको कंफर्टेबल पैटर्न है तो आप वो भी इस पे रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये गाने। पहले जो दो लाइन्स हैं इसके, उसमें हम जो प्रोग्रेशन यूज़ करेंगे कॉर्ड्स का वो होगा बहुत ही इजी कॉर्ड्स है, ए मेजर, उसके बाद डी मेजर, फिर ए मेजर, डी मेजर और ई मेजर। ये होगा प्रोग्रेशन, ए मेजर, डी मेजर, ए मेजर, डी मेजर, ई मेजर। तो फर्स्ट दो लाइन्स आपको बताता हूँ मैं। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। तो ये जो तो ये ई मेजर लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था ए मेजर, डी मेजर, ई मेजर, ये आप बजाओगे। तो इसके बाद के जो दो लाइन्स हैं वो कुछ ऐसे, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। तो इसमें हमने यूज किया है ई मेजर, ए मेजर, डी मेजर, ठीक है। तो एक बार ये पूरा पोर्शन बजा के देखते हैं। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। हो गया यहाँ तक। तो इसके बाद जो मेन पार्ट है इस गाने का, उस पार्ट के लिए हम यूज करेंगे ए मेजर, उसके बाद ई मेजर, फिर डी मेजर, ए मेजर, ई मेजर, डी मेजर, ठीक है। तो एक बार बजा के दिखाता हूँ आपको। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैं जोगी होना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्रेशन यूज किया उसमें यूज किया हमने ए मेजर, फिर ई मेजर, फिर डी मेजर, फिर से ए मेजर, फिर ई मेजर, फिर डी मेजर, फिर हमने यूज किया
एफ शार्प माइनर, एफ शार्प माइनर यूज़ किया, उसके बाद ई मेजर यूज़ किया और उसके बाद डी मेजर यूज़ किया। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्रेशन है, जो फर्स्ट आप तीन हिस्से कर लीजिए, दो हिस्से कर लीजिए इस सॉन्ग के, जो पहला पार्ट है और फिर दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में ए मेजर, उसके बाद डी मेजर बजाना है आपको, ए मेजर डी मेजर, उसके बाद वाला जो सोना सोना वाला पार्ट है उसमें आपको बजाना है ए मेजर डी मेजर ई मेजर, उसके बाद ए मेजर डी मेजर ए मेजर, फिर एफ शार्प माइनर ई मेजर और डी मेजर। तो ये बहुत ही सिंपल सा सॉन्ग है, ये पूरा सॉन्ग ऐसे ही है इस चार कॉर्ड्स पे बेस, तो आपको बहुत ही इजी जाएगा ये बजाने के लिए। और इसके बाद जो आप नेक्स्ट पार्ट है, इसमें फीमेल वॉइस का भी पार्ट है इसी गाने में, तो वो पूरे जो कॉर्ड्स है इसके मैं फोटोज़ के साथ में मेरे फेसबुक पे पेज पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे ज़रूर आप एक बार चेक कीजिएगा। और इसके बाद वाला पार्ट आप सुनोगे तो होगा इंस्ट्रूमेंटल, जो टैब्स वाला पार्ट, तो वो भी आप सुन सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको पसंद आए। तो ए मेजर स्केल में ये सॉन्ग आप बजा सकते हो। तो ए मेजर स्केल कुछ ऐसे है, आपका जो लास्ट फिंगर है वो आप रखोगे डी स्ट्रिंग के 8th फ्रेट पे, वहाँ से स्टार्ट होगा। स्केल, उसके बाद जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो कुछ ऐसे है, तो ये जो स्लाइड है ये मैंने बस मॉडिफाई किया, क्योंकि उस सॉन्ग में यासर देसाई ने जो हरकत दी है तो उस हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। वरना मैं स्लोली आपको बताता हूँ, आपका ये जो रिंग फिंगर है वो आएगा इस जी स्ट्रिंग के 7th फ्रेट पे, वहाँ से ये स्टार्ट होगा। तो स्लोली कैसे बजाएंगे आप, उसके बाद का जो पार्ट है की बात आता है, तो वो कुछ ऐसे है। तो ये काफ़ी सिंपल टैब्स हैं इसके, अगर कुछ भी आपको डाउट लगे इसमें तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट्स कीजिए, या फिर फेसबुक पेज पे मुझे ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं टैब्स भी वहाँ पे उसका डायग्राम जो है वो पोस्ट कर दूँगा, ताकि आप उसको देख के फिर इजीली बजा सकते हैं, या फिर ये वीडियो पॉज करके आप धीरे धीरे बजा सकते हो, तो आपको ये हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये था पूरा वीडियो जोगी सॉन्ग का। इसके जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके जो कॉर्ड्स है, पूरे कॉर्ड्स गाने के, जो फीमेल वॉइस का भी पार्ट है, मैं मेरी फेसबुक पेज पे ज़रूर इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो ज़रूर इस डिस्क्रिप्शन के, जहाँ पे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन में ही मेरी फेसबुक पेज का लिंक होगा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज पर आपको दिख जाएगा वो, जहाँ पर मैंने कॉर्ड्स उसके पूरे पूरे अपलोड किए हैं। और इसके अलावा भी जो सॉन्ग्स हैं जो इसके पहले मैंने अपलोड किए हैं, उसके भी कॉर्ड्स उसके भी टैब्स आपको मिल जाएंगे उस पेज पर, तो ज़रूर एक बार ट्राई चेकआउट कीजिएगा वो पेज। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़
इसको हिट कीजिएगा लाइक बटन, और सब्सक्राइब जो मेन चीज़ है ज़रूर कीजिएगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन हिट कीजिएगा। और कुछ भी आपको लगे सजेशन से, मुझे भी कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो वो आप ज़रूर कमेंट्स में आप मुझे बताइएगा, या फिर मेरे फेसबुक पेज पे बता सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो भी मुझे है, जितना भी नॉलेज है म्यूज़िक का, जो गिटार का नॉलेज है या कॉर्ड्स का है, जो भी है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि शेयर करने से ही हमारा नॉलेज बढ़ेगा, मैं भी इम्प्रूव करूँगा, आप भी इम्प्रूव करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।